Hare Krishna and good morning all of you. Students, today I am teaching you the remaining idioms of the lesson Comprehend Words. ठीक है, हमने प्रीवियस क्लास में कुछ 10 idioms के बारे में पढ़ा था और आज उसके कुछ रिमेनिंग idioms है, उससे एक छोटी सी एक्सरसाइज है जिसको आज हम करेंगे. सो द 11th idiom फ्रॉम 11th idioms आर फ्रॉम पेज नंबर 77. सो 11th वन इज कीप योर फिंगर्स ऑन द पल्स. इसका मीनिंग होता है बींग कॉन्स्टेंटली अवेयर ऑफ द मोस्ट रिसेंट डेवलपमेंट्स. मतलब जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जो चीज़ों के आविष्कार हो रहे हैं, जो रिसेंटली हो रहे हैं, तो उनके बारे में अवेयर रहना, उनके बारे में जानकारी रखना कि अच्छा ये चीज़ आई है अभी, फिर इस चीज़ की डेवलपमेंट हुआ है, तो उनके बारे में हर चीज़ के बारे में जानकारी रखना. ठीक है, तो एन एंटरप्रेन्योर मस्ट कीप हिज फिंगर्स ऑन द पल्स. देखिए इसका यूज करा, एन एंटरप्रेन्योर मस्ट कीप हिज फिंगर्स ऑन द पल्स ऑफ द मार्केट बी सक्सेसफुल. एक बिजनेसमैन को क्या करना चाहिए, हमेशा अवेयर रहना चाहिए डेवलपमेंट्स के बारे में, टू ऑफ द मार्केट बी सक्सेसफुल. मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए एंटरप्रेन्योर को हमेशा क्या करना चाहिए, अवेयर होना चाहिए रिसेंट डेवलपमेंट्स के बारे में. ओके, नेक्स्ट है मीन बिजनेस. बींग सीरियस अबाउट वॉट यू अनाउंस. हमने जो अनाउंसमेंट करा है, जो घोषणा करी है, उसके बारे में सीरियस होना, मतलब उसको लापरवाही नहीं करना, उसके लिए सीरियस होना. सो होता है मीन बिजनेस, उसको बोलते हैं. ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे. नाउ दैट ऑल आवर पॉलिसीज अबाउट वर्क आर पुट अप ऑन इंट्रानेट, वी मीन बिजनेस. ऐसे बोला गया कि अब जब हमारी सारी पॉलिसी, सारी योजनाएं काम के बारे में आर पुट अप ऑन इंट्रानेट, मीन सबको बता दी गई हैं, वी मीन बिजनेस. तो अब हमको हमने जो अनाउंसमेंट करा है उसके बारे में सीरियस हो जाना चाहिए. ठीक है, लोगों को पता चल गई है हमारी सारी पॉलिसीज, ये लोगों के पास है, सो अब हमको वो अनाउंस करना चाहिए, उसके बारे में सीरियस हो जाना चाहिए जो हमने अनाउंस करा था. वी मीन बिजनेस. तो हमको क्या करना चाहिए कि हमको अब सीरियस होना चाहिए हमारे अनाउंसमेंट के बारे में. ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ. जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है, उसने प्रॉमिस करा कि आप मेरे से ये सब चीज़ें लेंगे तो मैं आपको इतना बेनिफिट दूंगा. ठीक है, अगर आप मेरे से ये सब चीज़, कुछ चीज़ लेंगे तो मैं आपको किसी भी चीज़ का बेनिफिट दूंगा. तो सारे लोगों ने उससे चीज़ ले ली, तो अब उसको क्या करना पड़ेगा, उसको वो बेनिफिट देना पड़ेगा जिसने प्रॉमिस करा था. तो ये हो गया मीन बिजनेस. ठीक है, उसके बाद थिंक ऑन योर फीट. इसका मीनिंग होता है एडजस्टिंग क्विकली टू चेंजेस एंड मेकिंग फास्ट डिसीजंस. एडजस्टिंग क्विकली टू चेंजेस, मतलब हमको कोई भी चीज़ें चेंज करना है तो हमको क्विकली हमारे माइंड में होना चाहिए, एडजस्ट हो जानी चाहिए चीज़ें कि अच्छा ये हम ऐसे कर सकते हैं. एंड मेकिंग फास्ट डिसीजंस, और हमको डिसीजन फास्ट लेना चाहिए, सही भी होना चाहिए डिसीजन और हमको फास्ट लेना चाहिए. ठीक है, सो अ गुड सेल्समैन मस्ट बी एबल टू थिंक ऑन हिज फीट टू क्लोज द डील. थिंक ऑन हिज फीट, मतलब एक गुड सेल्समैन जो होता है वो, उसमें क्या एबिलिटी होनी चाहिए कि उसको क्विकली चेंजेस और फास्ट डिसीजंस करते आना चाहिए डील को क्लोज करने के लिए. मान लीजिए कोई भी सेल्स पर्सन आया कहीं पर, तो उसका कैसा होना चाहिए, उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि उसमें चेंज कर सके वो किसी भी चीज़ में. मान लीजिए कोई जिसके घर गया वो सेल करने के लिए, तो बोला नहीं हमको ये नहीं चाहिए, तो वो थोड़ा सा क्विकली चेंज करके बता दे उसके उनके फायदे के लिए कि अच्छा ऐसे नहीं तो आप ऐसे ले लीजिए उसको. तो ये गुड सेल्समैन की क्वालिटी होती है, थिंक ऑन योर फीट, इसका मीनिंग होता है. ठीक है, नेक्स्ट है सेल थ्रू समथिंग. इसका मीनिंग होता है बींग सक्सेसफुल इन डूइंग समथिंग विदाउट डिफिकल्टी. सक्सेसफुल होना वो करने में बिना किसी कठिनाई के, किसी भी चीज़ को करने में सक्सेसफुल होना, तो उसको बोलते हैं सेल थ्रू समथिंग. ठीक है, अब हम इसका देखेंगे एग्जाम्पल. द प्रेजेंटेशन ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस वॉज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर द कंपनी. नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो प्रेजेंटेशन था वो कंपनी के लिए एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट था, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था. वी सेल्ड थ्रू इट. तो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या किया, बींग सक्सेसफुल इन डूइंग समथिंग विदाउट डिफिकल्टी, तो उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन को बिना किसी डिफिकल्टी के उसको प्रेजेंट करा. ठीक है, उसके बाद 15th ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड. इसका मीनिंग है क्लेवर और एक्सपर्ट वे ऑफ डूइंग समथिंग.
किसी भी चीज को करने में क्लेवर और एक्सपर्ट वे होना चाहिए, हमारा एक्सपर्टाइज होना चाहिए हमको किसी भी काम को करने में, ठीक है। अब इसका एग्जांपल हम देखेंगे, क्लेवर इनटू द कंस्ट्रक्शन बिजनेस फॉर लास्ट 10 ईयर्स, आई नो ऑल ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड। मतलब क्लेवर इनटू द, मैं बिजनेस कंस्ट्रक्शन बिजनेस में लास्ट 10 ईयर्स से हूँ, तो आई नो ऑल ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड, तो मैं इस ट्रेड के सारे ट्रिक्स जानता हूँ, मतलब मैं इसके सारे तरीके जानता हूँ कि इस काम को अच्छे से कैसे किया जा सकता है। तो वो पूरा बोलने की बजाय हम क्या लिख सकते हैं, ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड, ठीक है। इडियम्स का यूज क्या होता है स्टूडेंट्स, कि हम अगर कोई भी बात को उस तरीके से ना बोल के हम इडियम लिख देते हैं उसकी जगह, और इडियम का मीनिंग ये निकलता है। तो जैसे कभी, ये तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस से आएगा कभी बोलना, लेकिन हमने इन इडियम्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ा और उनको कैसे यूज करते हैं वो भी पढ़ा हमने इस चैप्टर में, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे एक एक्सरसाइज दी हुई है 21.4, इसमें क्या करना है, राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स। ये इडियम्स हैं जो भी हमने पढ़े हैं और उनके, इनके मीनिंग्स लिखने हैं। अब ये आपको करना है, ये वर्ड ये आपको फेयर कॉपी में करना है, ठीक है। सारे इडियम्स के मीनिंग लेसन में दिए हुए हैं। सबसे पहले ऐसे आप डालेंगे, राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स, चेज योर टेल, उसके आगे उसका मीनिंग लिखिएगा जैसे बुक में दिया हुआ है। सो ये 8 इडियम्स दिए हुए हैं और इनके मीनिंग्स लिख कर मेरे को आपको सबमिट जरूर से करना है सबको, ठीक है। सो डू द वर्क, और इसको आप जैसे जब लिखेंगे तो आप इसके मीनिंग थोड़ा समझते भी जाइएगा अच्छे से, ठीक है। सो ये वर्क करके मेरे को टाइम से सब लोग सबमिट करिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।